मैथ सब्जेक्ट बोरिंग लगता है? मैथ्स का नाम सुनते ही आपको अपने टीचर का चेहरा और टीचर द्वारा आपकी कॉपी में दिए हुए प्रसाद की याद आने लगती है। क्या आपको भी 3/7 और 7/3 एक जुड़वा भाई की तरह लगते हैं? क्या आपको भी 2.05, 2.50 और 0.25 ये बिल्कुल एक बराबर लगते हैं? और तो और, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये लगता है, और इसी तरीके के एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ये लगता है तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। इतना ही नहीं, मैथ्स में आने वाले रूल, एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके सर के ऊपर से निकल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप बहुत बड़ी दिक्कत में हैं। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए मैथ सब्जेक्ट जो है वो लखनऊ के भूलभुलैया जैसा हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि इस भूलभुलैया से बाहर निकलें और नेशनल हाईवे पे आके 100 की स्पीड में हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आज का वीडियो आपके लिए है। स्वागत है बच्चों आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां आज हम मैथ्स का मास्टर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और मास्टर सीरीज़ में जो है वो हम मैथ्स से रिलेटेड सारे छोटे छोटे रूल्स, मेथड्स, एग्जाम्पल्स की अच्छे से स्टडी करेंगे और मैथ्स के मास्टर बनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैंने रूल्स और मेथड्स बताए हैं। अगर आप उन रूल्स और मेथड्स को नहीं देखेंगे अच्छे से तो फिर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, और फिर लास्ट में आप ये कहेंगे कि सर आपने कैसा वीडियो बनाया है। तो आप उस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस वीडियो पूरा देखिए, आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए बच्चों, मैथ सीखना बहुत आसान है। कुछ सीखने के स्टेप्स होते हैं, अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएं तो हमें जो है मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक और तरीका है मैथ्स को समझने का कि अगर हम ये जान लें कि हमें पहले क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, तो हमारे लिए मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैथ्स में सीखने की सबसे पहली सीढ़ी, या हम कहें कि पहला स्टेप है टेबल लर्निंग। इसको हम हिंदी में पहाड़ा याद करना भी कहते हैं, टेबल लर्निंग, ठीक है। टेबल को लगातार प्रैक्टिस में ले आइए, और टेबल याद करने के लिए मैं कई बच्चों को देखता हूँ कि आँख बंद करके बिल्कुल अपने भगवान जी को याद करते हैं और बिल्कुल एक सांस में पूरी टेबल पढ़ जाते हैं। ऐसा आप मत करिए, आप धीरे 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 करके टेबल को सीखिए, और जिस दिन आपकी टेबल याद हो गई उस दिन आप समझ लीजिए कि मैथ्स के 50% क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ बन जाएगी। अब आप पूछिएगा कि सर ये बात आप कैसे कह रहे हैं, तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ बोर्ड पे देखिए, मान लीजिए आपको ऐड करने का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये लिखा है कि 15 को 12 बार जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, 15 को 12 बार ऐसे लिखेंगे और फिर यूनिट प्लेस को जोड़ेंगे और फिर टेंस प्लेस को जोड़ेंगे और फिर आप जोड़ के आंसर ले आ देंगे। लेकिन इस प्रोसेस को करने में बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आप स्मार्ट हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को थोड़ा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई बड़ा नंबर आपको दिया हुआ हो और फिर आपको उसी तरीके से जोड़ना हो, तो क्या आप इसको 125 को 15 बार फिर से लिख के जोड़ेंगे, बताइए कितना टाइम लगेगा। और एग्ज़ाम टाइम में अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं तो कितनी दिक्कत होती है कि नहीं है। तो देखिए, अगर आप समझदार हैं, स्मार्ट हैं, तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, और उसका तरीका ये होगा कि 15 हमें पता है और कितनी बार करना है, यानी हमको मल्टीप्लाई करना है, और हम इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इस सवाल में हम 125 को 15 से जो है मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का, और इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका है मल्टीप्लाई करने का जिसको हम वन लाइनर मेथड कहते हैं। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा।
टेबल के बिना ना तो हम एडिशन के सवालों को स्मार्टली कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, ना ही डिवीजन के सवालों में अपना टाइम बचा सकते हैं। यहाँ तक कि डेसिमल और फ्रैक्शन के भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ फिलहाल हम पहले डिवीजन की बात करते हैं कि डिवीजन में टेबल का कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे यहाँ 3 डिजिट से 1 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप आसानी से 5 का टेबल पढ़ के इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है और आप 3 का टेबल पढ़ के आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको 15 से इस नंबर को डिवाइड करना है, तो इसको भी आप डिवाइड करके टेबल पढ़ के आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब यही 3 डिजिट का नंबर आपको बड़े नंबर से डिवाइड करना हो जिसका आपको टेबल नहीं आता है, तो आप क्या करने लगते हैं, आप पहले 21, 25 का टेबल 2 टाइम्स लिखते हैं, 3 टाइम्स लिखते हैं, 4 टाइम्स लिखते हैं, और इस चक्कर में आप अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पहले टेबल लर्न कीजिए। टेबल लर्न करेंगे तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर आप कम टाइम में निकाल पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी जो है, अगर आपको 23 का टेबल याद है तो आप इसका आंसर आसानी से 1 सेकंड में बता सकते हैं, और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इसके बाद से आपको जो है वो और बड़े बड़े नंबर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आप क्या करते हैं, आप 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर का डिवाइड तो आसानी से कर लेते हैं, और बड़े बड़े टेबल और बड़े बड़े नंबर्स की टेबल को आप नहीं याद करते हैं, अपने आप को बाहुबली बनने लगते हैं, तो इससे नहीं काम चलने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि टेबल इज़ द बेसिक स्टेप टू लर्न मैथ्स, यानी मैथ्स अच्छे से सीखना है तो हमको टेबल हर हालत में आनी चाहिए। अब आपका सवाल ये होगा कि टेबल कितना याद होना चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप 25 तक टेबल याद कर ही लीजिए, 20 तक टेबल क्लास 5th तक, और जो बच्चे क्लास 8th तक हैं वो जो है 25 तक टेबल याद कर लें, क्योंकि 25 तक के टेबल का बहुत सारा यूज़ स्क्वायर, स्क्वायर रूट और छोटे छोटे और टॉपिक्स में ज़रूरत पड़ती है उनकी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पहले स्टेप में ये जाना कि हमें टेबल याद करना है। टेबल याद करना आप जैसे शेरों के लिए चुटकियों का काम है, बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी याद कर लीजिए मुझे भी आसानी होगी, आपको नए नए चैप्टर पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो जब एक बार टेबल याद हो गया, टेबल लर्न होने के बाद से हम फिर दूसरे स्टेप पे आते हैं, और दूसरा स्टेप है छोटे छोटे नंबर्स का, दिए हुए छोटे छोटे नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस करना। इसके 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये मैंने बेसिक मेथड यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा मेथड है वन लाइनर मेथड। तो देखिए यहाँ बोर्ड पे हम करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम जो है इसके मल्टीप्लाई का जो बेसिक रूल है, यानी इसके यूनिट से इसके वंस की का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके वंस से इसके टेंस का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर इसके टेंस से इसके वंस का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और इसके टेंस से इसके टेंस का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और लास्ट में सबको जोड़ देते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर आपको इस तरीके से 5 क्वेश्चन मिल गए एग्ज़ाम में, तो आपके लिए तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो इसी चीज़ को मैंने एक दूसरे तरीके से बताया है। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें 12 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम जो है वही बेसिक मेथड से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। इसी तरीके से 18 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, हम जो बेसिक मेथड अपनाएंगे उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम को मैनेज करने के लिए, फिर से मैं बोल देता हूँ, टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने ये मेथड बताया है। ऐसा नहीं है कि आप इस मेथड से करेंगे तो आंसर आपको कुछ और मिलेगा, और आप इस मेथड से करेंगे तो आंसर आपको दूसरा मिलेगा। ठीक है ना, मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि आप चाहे इस मेथड से करें और चाहे इस मेथड से करें, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको सेम मिलेगा। चलिए प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है,
तो चलिए ये देखिए, हमारे पास पहले 15 लिखा है तो हम यहाँ 15 को यहाँ लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 12 है तो हम यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 12 लिख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं अब क्वेश्चन उतार लेता हूँ, फिर एक एक क्वेश्चन को आराम से समझ के करते हैं। यहाँ 12 लिखा है, हमने 12 लिख लिया, और उसके बाद 16 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमने 16 लिख लिया। इसी तरीके से 18 मल्टीप्लाइड बाई 15 है, तो ये हमने जो है इन क्वेश्चंस को इस रूप में लिख लिया है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसी मेथड को समझना है, और इसी मेथड को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। एक कहावत कही जाती है, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। इसका मतलब ये है कि अगर आप गलत मेथड, गलत रूल अपने दिमाग में बैठाएंगे तो आपको हमेशा गलत रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सटीक मेथड है, ऐसा मेथड है जिससे आप कभी भी कोई भी छोटे छोटे नंबर्स का कैलकुलेशन कम समय में कर लेंगे और उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको कैसे आंसर इसका आएगा ये लगाने का तरीका समझते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि 12 का टेबल पढ़ना है, और 12 का टेबल पहले हम इस डिजिट से पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि 12 के टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 12 5 जा 60 होता है। मैं यहाँ 60 लिख देता हूँ, लेकिन आपको 60 यहाँ नहीं लिखना है। इस 60 का जो लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस वाला, वंस प्लेस वाला, उसका आपको ये 0 यहाँ लिख लेना है, और ये जो 6 बच रहा है ये 6 हमारा कैरी के रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो 12 से 5 का मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया, 60 का 0 हमने यहाँ उतार लिया, ये 6 को कैरी ले लिया। अब देखिए 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद से जो आंसर आएगा उसमें हम कैरी 6 को जोड़ देंगे, तो 12 1 जा 12 और 6 हमारा कैरी 18 हो गया, और 18 हम यहाँ लिख देंगे और हमारा आंसर 180 आ गया। आइए इसको चेक करते हैं, 16 2 जा 32, 32 हम यहाँ लिख लेते हैं, और 2 का 2 हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये 3 कैरी में चला जाएगा। फिर 16 1 जा 16 करेंगे, और 16 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 16 और 3 19 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से 15 8 जा 120 का पहले 120 लिख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर बहुत जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ रहे हैं। चलिए, आप ही को सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इत्मीनान से सीखते हैं। ठीक है ना, 15 एट जा 120। अब देखिए, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ने इन क्वेश्चंस में तो लास्ट डिजिट को यहाँ उतार दिया है और ये कैरी ले लिया है, लेकिन यहाँ तो 2 डिजिट मिल रही है, तब क्या करें। तो फॉर्मूला वही है, मेथड वही है, हमारा जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो सब हमारा कैरी में चला जाएगा। ठीक है ना, तो 15 एट जा 120, 120 का 0, और ये जो 12 है ये कैरी के रूप में चला गया, और 15 वन जा 15, और 15 में 12 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर तो निकाल दिया, लेकिन इस क्वेश्चंस का आंसर तो बताया ही नहीं है। तो मैं जानता था आपके मन में ये सवाल आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये मेथड करके बताया है। अब आप घर पे खुद से ये मेथड अप्लाई करके यहाँ जो आंसर आ रहा है उस आंसर को, यहाँ जो आंसर आएगा उससे टैली कर लीजिएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और तब आपको ये लगेगा कि हाँ अब जो है आप भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता जान चुके हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर मेथड सीखने के बाद से आपको ये अगर कोई डाउट हो इस मेथड को सीखने में, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एरो बना दिया है, ताकि आप जो है इस चीज़ को
इससे भी समझ सकते हैं कि ये जीरो जो है वो कहाँ लग रहा है और ये कैरी कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चंस में मैंने जो है ये एरो बना दिया है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैथ्स का बहुत सिंपल रूल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कम से कम टाइम लगेगा आपको सीखने में, ठीक है ना। ये बातें किताब में नहीं होती हैं, ये बातें एक्सपीरियंस से आती हैं, ठीक है। चलिए, हमने जो है वो वन लाइनर मेथड सीख लिया और इसके बाद से हम फाइनल स्टेप यानी थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। और थर्ड स्टेप है कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स यानी किताबों में मल्टीप्लिकेशन से संबंधित जो सवाल दिए रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 kg टमाटर का दाम 40 rupees है, तो आपको 15 kg टमाटर के दाम कितने देने पड़ेंगे। तो अब आप जो है ये चीज़ को तो समझ गए होंगे कि हाँ, हमारे पास जो क्वांटिटी दी हुई है उसकी वैल्यू दी हुई है, तो हमें उसी क्वांटिटी को बढ़ा के दिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 40 × 15 कर देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर 600 rupees आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। 1 kg टमाटर का दाम दिया हुआ था 40 rupees और बुक में क्वेश्चन पूछा गया कि 15 kg टमाटर का दाम कितना होगा, तो आपने जो है 40 से 15 को मल्टीप्लाई किया। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कहा 1 kg पनीर का दाम 400 rupees है, तो आपको 6 kg पनीर का दाम कितना देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 400 × 6 कर देंगे, तो हमारा आंसर 2400 rupees आ जाएगा। और इस तरीके से हम ऐसे सवालों के आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन से हमने कितनी ढेर सारी चीज़ों को जाना है कि नहीं है। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी मैं जो मेथड बता रहा हूँ, मैं जो रूल बता रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसके बाद से बात आती है कि सर, टेबल आपने याद करना सिखा दिया, वन लाइनर मेथड से मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, और तो और लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको भी करना सिखा दिया। उस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। वैसे भी आप ये तो समझ रहे होंगे ना कि एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल है, और आप लोग मोबाइल पर कितना टाइम देते हैं स्टडी करने में ये सबको पता है, ठीक है ना। तो आज जो है हमने एक पूरा कॉन्सेप्ट सीखा, एक पूरा रूल सीखा, एक पूरा मेथड सीखा है कि हमें मल्टीप्लाई करना आना ही आना चाहिए। और जब तक मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे अच्छे से, मल्टीप्लाई के रूल्स नहीं समझेंगे, तब तक ना हम डिवीज़न कर सकते हैं, ना फ्रैक्शन कर सकते हैं, ना डेसिमल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी इतने पे आप भी अगर ये सोच रहे हैं कि हमने सीख लिया और हमारा काम बन गया, तो ये मत सोचिए, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में पहुँचेंगे तो वहाँ परसेंटेज के सवाल मिलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल मिलेंगे, ठीक है, और भी बहुत से ऐसे चैप्टर मिलेंगे जहाँ पे आपको सारा कैलकुलेशन इसी टेबल के मदद से करना होगा। इसीलिए मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है टेबल पे पूरा कमांड कर लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और फिर जो है मैं अगले पार्ट को बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए आराम से इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।